यो हाँ जी, तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम इसके सीधे एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो तुरुई होती है वो किडनैप हो चुकी होती है, अब ये लोग जाना चाहते हैं उसको ढूंढने के लिए। और फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे तुरुई जो होती है वो बोल रही होती है गेटो को कि वह वहाँ से निकले और बचाना जाए रिको के पास। और गेटो जो होता है वो फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसको लगता है तुरुई किडनैप हुई है, वो गलती उसकी है क्योंकि उसने उसको छोड़ दिया था और वहाँ चला गया था। उसने अंडर एस्टिमेट किया था उन लोगों को जो वहाँ पे किडनैप करने आए थे। गोजो जो होता है वो सारे स्टेटमेंट बोलता है कि क्या क्या चीजें यहाँ हो सकती हैं। मैं भी ऐसा सकता है कुरुई को वो भेजेंगे और इधर से अमनाई को लेना चाहेंगे, या तो ये हो सकता है कि वो कुरुई को मार देंगे अगर ये लोग अमनाई को नहीं मारेंगे। तो इस तरह के अलग अलग ऑफर्स यहाँ पे दिए जा सकते हैं। उन लोगों ने सारे सेट कर दिए होंगे लोकेशन पे। गोजो कह रहा होता है कि मैं लेके अमनाई को जाऊंगा जुजुत्सु हाइप में वापस और इसकी बॉडी डबल को हम लोग यूज कर सकते हैं इस पूरी डील में। हालांकि जो रिको होती है वहाँ खड़ी होती है और कह रही होती है नहीं, मैं इस डील में जाना चाहूंगी, मैं तुम दोनों को अभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। मान लो तुम दोनों ने उसको बचा भी लिया लेकिन कुरुई क्या पता उस समय तक वापस ना आए जब तक वो टेंजन सामा के साथ एसिमिलेट होने वाली हो। उसने कुरुई को अभी तक थैंक यू नहीं बोला है, वो उसको ढंग से थैंक यू बोलना चाहती है, गुड बाय बोलना चाहती है। गोजो जो होता है वो बोल रहा होता है कि इवेंचुअली वो जो किडनैपर्स हैं वो हमें कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे। और गोजो ये भी बोल रहा होता है अगर हम तेरे को अपने साथ लेके जाएंगे तो मे बी कुरुई के बचने के चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हमें तुझे वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो रिको होती है वो पूरी तरह से तैयार होती है और कह रही होती है ये चल जाएगी और मैं चलूंगा। और गोजो कह रहा होता है इसके एक्सचेंज में अगर तू रास्ते में कहीं भी डर गई और तुझे घर जाना हुआ तो हम तेरे को टोटली इग्नोर कर देंगे और वहीं पे छोड़ देंगे। फिर जो प्रोटेक्शन मिशन का डे 2 होता है वो देखने को मिलता है जहाँ पे कुरुई होती है वो गेटो से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे खुद पे शर्म आ रही है कि एक जो नॉन सॉर्सरर थे उन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया था। हालांकि गेटो जो होता है कहता है इसका ब्लेम थोड़ा बहुत मुझ पे भी है कि मैं तेरे को चला गया छोड़ के। उधर देखने को मिलता है कुरुई जो होती है किडनैप होती है, वहाँ गोजो जो होता है इजिली अंदर जाता है, उन लोगों को मारता पीटता है और इसको बचा के निकाल लाता है। उसके बाद देखने को मिलता है ये दोनों वहाँ बैठे होते हैं और गेटो जो होता है वो कह रहा होता है सतारो की आंखें बहुत अच्छी हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग जब यहाँ प्लेन से आए थे तो सारे ही पैसेंजर्स को चेक कर लिया था और ऊपर से मेरा कर्ज जो था वो प्लेन के ऊपर बैठा हुआ था तो वो बाहर की सारी चीजें देख रहा था। और ये सब प्लान करने लगते हैं किस तरह से कहाँ पे क्या अटैक हो सकता है और कहाँ कहाँ चीजें बिछी हो सकती हैं। और गेटो बताता है कि उनके अलावा भी कुछ लोग यहाँ आए हैं और देखने को मिलता है 2 फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं वो आए होते हैं और वो लोग बिल्कुल तैयार होते हैं और ये गेटो को शो ऑफ करना चाहता है सारी चीजें। उधर देखने को मिलता है जो गोजो होता है वो रिको के साथ खेल रहा होता है पानी में, उसको परेशान कर रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो गेटो होता है वो बोलता है गोजो वक्त हो चुका है। उतने में देखने को मिलता है जो रिको होती है वो थोड़ी सी सैड हो जाती है, तो गोजो कहता है आज यहाँ रुकते हैं कल सुबह चलेंगे। गेटो जो होता है वो गोजो से बोलता है सतारू थोड़ा सा सीरियस होने का वक्त आ चुका है, तूने कल से अपनी टेक्निक को रिलीज बिल्कुल नहीं किया है, ना ही तू रात भर सोया है, तो प्लान कर रहा होगा आज भी नहीं सोने की, और तो सच में लगता है कि हमें जुजुत्सु हाई नहीं जाना चाहिए आज ही। गोजो कहता है चिंता की बात नहीं है मैं संभाल लूंगा। ये लोग इन्फॉर्म कर देते हैं बच्चों को कि हाँ भाई हम एक दिन और रुकने वाले हैं और वो एक्साइटेड होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या कुछ हुआ है वहाँ पे। फिर देखने को मिलता है ये लोग जगह जगह जा रहे होते हैं, बोट में ट्रेवल कर रहे होते हैं, नजारे देख रहे होते हैं। रिको जो होती है काफी खुश हो रही होती है, वो कुनोई को लेकर पूरी जगह पे घूम रही होती है, फ्लावर वाली जगह देखते हैं, खाते पीते हैं साथ में और हर तरफ एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद समुद्र वाला व्यू देखने को मिलता है एक एक्वेरियम में जहाँ पे वो चीजें बहुत सुंदर लग रही होती है। और ये फाइनली जुजुत्सु हाई के होटल के ऊपर पहुंच जाते हैं और आगे जाने लगते हैं। और फाइनली ये बाउंड्री के अंदर पहुंच चुके होते हैं जुजुत्सु हाई के और ये लोग काफी खुश होते हैं। गोजो जो होता है वो काफी थक चुका होता है, वो अपने आप टेक्निक को एकदम से रिलीज करता है, लेकिन उतने में देखने को मिलता है एक तलवार आती है पीछे से और गोजो के अंदर घुस कर दी जाती है और उसके बॉडी के अंदर हो जाता है छेद। और देखने को मिलता है पीछे से आ जाता है तोजी जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है और गोजो जो होता है उससे पूछ रहा होता है कि हम पहले मिले हैं। तोजी जो होता है वो कहता है कि मैं बहुत ही बेकार हूँ लोगों का नाम याद रखने में, तो शायद पता नहीं। उधर देखने को मिलता है जब गोजो बहुत ही छोटा था तब ये जो तोजी था वो देखने गया था 6 आई वाले लड़के को और देखता है वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है जो मूव कर रहा होता है और तोजी खड़े होकर सारी चीजें देख रहा होता है और पहली बार कोई होता है जो पीछे पलट के इसकी प्रेजेंस को देख पाता है और वो होता है गोजो। हालांकि उतने ही देखने में मिलता है जो गेटो होता है वो अपने कर्ज को एकदम से निकाल देता है, सीधा अटैक कर देता है उसके ऊपर, वो उसको छोड़ के पीछे चला जाता है, वो अपने कर्ज से उसको खा लेता है। और गोजो जो होता है वो गेटो को बोलता है कि एकदम तू चिंता मत कर, फटाफट इन दोनों को ले और अंदर चले जा। और
रहा होता है कि मैंने अपने आप को एकदम संभाल लिया था, कोई वाइटल स्पॉट पर अटैक नहीं किया है और मैं इसको आराम से संभाल लूंगा। जो गेटो होता है उससे कहता है कि तू अपना ख्याल रख, और वो दोनों को जाने के लिए साथ में कहता है। गेटो आगे जा ही रहा होता है और देखने मिलता है जो उसका मॉन्स्टर होता है वो फाड़ दिया जाता है तोजी के द्वारा, और वो उसके अंदर से निकलता है। उसके बैक पे भी एक कर्स मॉन्स्टर बैठा होता है। गोजो जो होता है वो सोच रहा होता है कि इसका जो ब्लेड है जो मेरे को स्टैब किया था वो बिल्कुल अलग था, अब जो देखने को मिल रहा है वो अलग है, और ऊपर से ये जो स्पिरिट है वो क्या है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं वो बिल्कुल अनलोन है। और तोजी जो होता है वो बोल रहा होता है कि मैं सोच रहा था पिछले ही अटैक में तेरे को टेक डाउन कर लूंगा, लगता है कि मैं दृष्टि हो चुका हूँ। और वो बताने लगता है किस तरह उसने सारे फॉल्स गोल दिखाए थे कि इस तरह से इसके ऊपर अटैक होने वाला है ताकि तुम एकदम से तैयार रहो और जो तेरी पावर है वो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाए, और वो बाउंटी की वजह से लोग तेरे ऊपर अटैक कर रहे होंगे तो इस वजह से तुझे हमेशा अटेंशन में रहना होगा और तू अपनी पावर हटा नहीं सकता था। और ये काफी ज्यादा थका हुआ होता है, लेकिन गोजो जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, हालांकि वो डॉच करके वहां से मूव कर जाता है और गोजो समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है। गोजो सोच रहा होता है ये थोड़ा सा अलग तो दिख रहा है लेकिन क्या चीज ऑफ है, और उसके समझ में आता है कि जो उसकी फिजिकल एबिलिटी होती है वो बिल्कुल अलग होती है क्योंकि उसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी होती नहीं है। और वो फिर वो जो कर्स उसके ऊपर बैठा होता है उसको वो तलवार खिला देता है और दूसरी तलवार जो होती है बाहर आ जाती है, और अगेन वो तेजी से मूव कर रहा होता है, देखते ही देखते वो आगे बढ़ रहा होता है गोजो की तरफ। गोजो जो होता है अगेन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, हालांकि जो तोजी होता है वो थोड़ा सा पीछे मूव करता है, वहां से उस पर वो अटैक लगता है, वो गिरता हुआ जो घर होते हैं तोड़ते हुए पीछे चला जाता है। और देखने को मिलता है जो तोजी होता है वो अगेन बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देता है और बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। गोजो को सेंस नहीं होती है उसकी प्रेजेंस, लेकिन वो अपने इंस्टिंक्ट पे खाली रिलाय नहीं कर सकता है, हालांकि जो उसकी कर्स स्पिरिट होती है उसको थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता है, उसकी प्रेजेंस निकल जाती है और वो फिर अपने कर्स टेक्निक एम्पलीफिकेशन का इस्तेमाल करता है, मैक्सिमम आउटपुट लाता है। और देखने को मिलता है वहां पे वो ब्लू कलर की कुछ चीज आती है जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है पूरे एरिया को, और जितनी भी छुपने की जगह होती है वो सारी गायब हो जाती है। हालांकि पीछे से देखने को मिलता है फ्लाई हेड्स होते हैं वो आ जाते हैं और वो तेजी से बढ़ते हुए गोजो को घेर लेते हैं चारों तरफ से। गोजो सोच रहा होता है क्या वो ब्लू दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसको पता होता है कि बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट यहाँ क्रिएट हो गए हैं, और उत्तमी गोजो को लगता है कि वो इसके पीछे नहीं है अमनाई के पीछे है, लेकिन उतने में तो जो होता है उसके पीछे आ जाता है और वो अपने हथियार से सीधे अटैक कर देता है गोजो के अंदर और सीधे उसके गले के अंदर मारता है वो अपने हथियार को, और वो सीधे फाड़ता हुआ उसके सीने से उसको आ जाता है और बीच में से आधा कर देता है। गोजो हालांकि अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन वो जगह जगह से काटता रहता है, बिल्कुल फाड़ता रहता है, उसको मार मार के नीचे गिरा देता है। और तोजी का ये होता है स्पेशल ग्रेट कर्स टूल इन्वर्ट करता है स्पीयर ऑफ हेवन को, और इसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो रिलीज कर देता है किसी भी एक्टिव टेक्निक को। उसके बाद वो जो अजीब सी चीजें होती हैं वो गोजो के ऊपर अट्रैक्ट होने लगती हैं, और गोजो जो होता है बिल्कुल मरी हुई हालत में नीचे पड़ा होता है। उधर देखने को मिलता है ये लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पे जो क्रोई होती है बस वहां तक आ पाती है, अब उसके आगे उसको जाना अलाउड नहीं होता है। वो रिको को बोल रही होती है कि वो अपना ख्याल रखे, और रिको एकदम से उसको गले लगा लेती है और कह रही होती है कि वो हमेशा हमेशा उसको प्यार करती है, और वो भी सेम चीज बोल रही होती है, दोनों गले लगा के एक दूसरे को रोती है। रिको जो होती है गेटो के साथ आगे आने लगती है, और एक जगह पे ये लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो गेटो होता है वो कह रहा होता है इसके आगे जो जगह है वो सब टैंग की जो टेरिटरी है वो है, ये जो जगह है ये मेन हॉल ऑफ टॉम ऑफ द स्टार है, इसके आगे तो अगर जाएगी और वो जो जड़ है उसको पीछा करती रहेगी तो एट द एंड पहुंच जाएगी उस जगह पे जहाँ पे टैंगन रहता है, और तेरे को मरने से वो आराम से बचा सकता है और सारी चीजें वहाँ पूरी हो जाएगी। हालांकि अगर तू नहीं चाहती है और अपने घर वापस जाना चाहती है कोरोई के पास तो वो भी ऑप्शन तेरे लिए खुला हुआ है, ये सुनकर रिको जो होती है और शॉक में होती है। और ये बता रहा होता है कि जो इनका टीचर है उसने हमें जब मिशन दिया था तब वो बोल रहा था कि एसिमिलेशन जो है वो इरेजिंग है, हालांकि वो मसल हेड हो सकता है लेकिन उसने इनफ हमें चीजें बताई थी जिसके वजह से हमें हिंट था कि तेरी जो प्रायोरिटी है वो भी हमें देखनी है। और गोजो और गेटो दोनों ने ही इस बारे में पहले ही बात कर ली थी और ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी थी। गेटो कह रहा होता है तो चिंता मत कर, हम स्ट्रांगेस्ट हैं और हम तुझे बचाने में गारंटी लेते हैं और हम तेरे फ्यूचर को बचाएंगे। रिको जो होती है वो बोलती है कि वो चाहती है हर जगह घूमना, जब उसके पेरेंट्स मरे थे तब उसने कभी भी देखा नहीं था उनको, हालांकि उसके अंदर के जो सैडनेस और हैप्पीनेस थी वो सारी की सारी चली गई थी, वो एक स्पेशल चाइल्ड थी, सारे लोग उसको स्पेशली ट्रीट करते थे लेकिन उसके साथ कभी कोई था नहीं। बट दिन का एक ऐसा वक्त जरूर आता था कि जब उसे लोनली फील होता था और जो उसके दोस्त थे वो उनके पास जाना चाहती है, वो जाना चाहती है कोरोई के पास, वो सबसे मिलना चाहती है, वो जीना चाहती है, वो घूमना चाहती है। गेटो जो होता है वो मुस्कुराता है और वो उसको अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो घर चलते हैं। उतने में ये गोली आती है सीधे रिको के सर में लगती है और रिको जो होती है वो मर जाती है। गेटो एकदम देख के ये शॉक होता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। उधर देखने को मिलता है तोजी होता है वो आता है और गेटो पूछ रहा होता है कि तू यहाँ आखिर है क्यों। तोजी बोलता है कि
इसका क्या मतलब हुआ? और वो कहता है अच्छा वो मतलब है तेरा, हाँ मैंने कोजो सतारू को मार दिया है। जिसके बाद एकदम से गेटो जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और बहुत तगड़ी तरह से उसको एंगर आता है और उसकी जो कर्स स्प्रेड होती है बाहर आती है और वो एकदम से कहता है अगर ये बात है तो मर जा। और इसी साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एक नंबर का एपिसोड था, अमेजिंग था और काफी ज्यादा खतरनाक, देखने में बहुत मजा आया। होपफुली तुम्हें भी मजा आया होगा देखने में। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।